आप सभी को प्रणाम। सामूहिक स्वाध्याय का समय हो गया है। सभी शांतचित होकर बैठें, दोनों हाथ गोदी में, नेत्र बंद, गायत्री महामंत्र साथ 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 स्वर दोहराएं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्स्यामितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हमारा युग निर्माण सत्संकल्प। मनुष्य के मूल्यांकन की कसौटी उसकी सफलताओं, योग्यताओं एवं विभूतियों को नहीं, उसके सद्विचारों और सत्कर्मों को मानेंगे। दूसरे के साथ वह व्यवहार नहीं करेंगे जो हमें अपने लिए पसंद नहीं। नर नारी के प्रति परस्पर पवित्र दृष्टि रखेंगे। परम पूज्य गुरुदेव और वंदनीय माता जी के सूक्ष्म उपस्थिति में आज का स्वाध्याय। आज के स्वाध्याय में हम उपवास के प्रकार पर स्वाध्याय प्रारंभ करेंगे। उपवासों के 5 भेद होते हैं। पहला पाचक, दूसरा शोधक, तीसरा शामक, चौथा आनस और पांचवा पावक। पाचक उपवास वे हैं जो पेट के अपच, अजीर्ण, कोष्ठबद्धता को पचाते हैं। शोधक वे हैं जो रोगों को भूखा मार डालने के लिए किए जाते हैं। इन्हें लंघन भी कहते हैं। शामक वे हैं जो कुविचारों, मानसिक विकारों, दुष्प्रवृत्तियों एवं विकृत उपत्तिकाओं का शमन करते हैं। आनस वे हैं जो किसी विशेष प्रयोजन के लिए दैवीय शक्ति को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए किए जाते हैं। पावक वे हैं जो पापों के प्रायश्चित के लिए होते हैं। आत्मिक और मानसिक स्थिति के अनुरूप कौन सा उपवास उपयुक्त होगा, उसके क्या नियम होने चाहिए, इसका निर्णय करने के लिए सूक्ष्म विवेचना की आवश्यकता है। साधक का अन्नमय कोष किस स्थिति में है, उसकी कौन उपत्तिकाएं विकृत हो रही हैं, किस उत्तेजी संस्था को शांत करने एवं किस मर्म स्थल को सत्तेज करने की आवश्यकता है, यह देखकर निर्णय किया जाना चाहिए कि कौन व्यक्ति किस प्रकार का उपवास कब करे। पाचक उपवास में तब तक भोजन छोड़ देना चाहिए जब तक कड़ाके की भूख ना लगे। एक बार का, एक दिन का या 2 दिन का आहार छोड़ देने से आमतौर पर कब्ज पक जाता है। पाचक उपवास में सहायता देने के लिए नींबू का रस, जल एवं किसी पाचक औषधि का सेवन किया जा सकता है। दूसरा है शोधक। शोधक उपवासों के साथ विश्राम आवश्यक है। यह लगातार तब तक चलते हैं जब तक रोगी खतरनाक स्थिति को पार ना कर ले। औटाकर ठंडा किया हुआ पानी ही ऐसे उपवासों में एकमात्र अवलंबक होता है। अगला है शामक। शामक उपवास दूध, छाछ, फलों का रस आदि पतले रसीले हल्के पदार्थों के आधार पर चलते हैं। इन उपवासों में स्वाध्याय, आत्मचिंतन, सेवन, मौन, जप, ध्यान, पूजा, प्रार्थना आदि आत्मा शुद्धि के उपचार भी साथ में होने चाहिए। अनास उपवास में सूर्य की किरणों द्वारा अभीष्ट दैवीय शक्ति का आवाहन करना चाहिए। सूर्य की सप्तवर्ण किरणों में राहु केतु को छोड़कर अन्य 7 ग्रहों की रश्मियां सम्मिलित होती हैं। सूर्य में तेजस्विता, उष्णता, पित्त प्रकृति प्रधान है। चंद्रमा शीतल, शांतिदायक, उज्ज्वल, कार्तिक और यह कीर्तिमान का कारक होता है। मंगल कठोर, बलवान और सहायक। बुध सौम्य, शिष्ट, कफ प्रधान, सुंदर, आकर्षक। गुरु विद्या, बुद्धि, धन, सूक्ष्मदर्शिका, शासन, न्याय राज्य का अधिष्ठाता। शुक्र बात प्रधान, चंचल, उत्पादक, कूटनीतिक। शनि स्थिरता,
स्थूलता सुख उपभोग दृढ़ता परिपुष्ट का प्रतीक है। जिस गुण की आवश्यकता हो उसके अनुरूप दैवी तत्वों को आकर्षित करने के लिए सप्ताह में उसी दिन उपवास करना चाहिए। इन उपवासों में लघु आहार उन ग्रहों में समता रखने वाला होना चाहिए। उसी ग्रह के अनुरूप रंग की वस्तुएं, वस्त्र आदि का जहां तक संभव हो सके अधिक प्रयोग करना चाहिए। रविवार को श्वेत रंग का और गाय के दूध दही का आहार उचित है। सोमवार का पीला रंग और चावल का माड़ उपयुक्त है। मंगल को लाल रंग, भैंस का दही या छाछ, बुध को नीला रंग और खट्टे मीठे फल, गुरु को नारंगी रंग और मीठे फल, शुक्र को हरा रंग, बकरी की दूध दही गुड़ का उपयोग ठीक रहता है। प्रातः काल की किरणों के सम्मुख खड़े होकर नेत्र बंद करके निर्धारित किरणें अपने में प्रवेश होने का ध्यान करने से वह शक्ति सूक्ष्म रश्मियों द्वारा अपने में अवतरित होती है। पावस उपवास प्रायश्चित स्वरूप किए जाते हैं। ऐसे उपवास केवल जल लेकर करने चाहिए। अपनी भूल के लिए प्रभु से सच्चे हृदय से क्षमा याचना करते हुए भविष्य में वैसे भूल ना हो का प्रण करना चाहिए। अपराध के लिए शारीरिक कष्ट साध्य तितिक्षा एवं शुभ कार्य के लिए इतना दान करना चाहिए जो पाप की व्यथा को पुण्य की शांति के बराबर करा सके। चंद्रायण व्रत, कक्षक चंद्रायण आदि ये पावस व्रतों के ही में गिने जाते हैं। प्रत्येक उपवास में यह बातें विशेष रूप से ध्यान रखने की है। पहला, उपवास के दिन जल बार बार पीना चाहिए, बिना प्यास के भी पीना चाहिए। दूसरा, उपवास के दिन अधिक शारीरिक श्रम ना करना चाहिए। तीसरा, उपवास के दिन यदि निराहार ना रहा जाए तो अल्प मात्रा में रसीले पदार्थ, दूध, फल आदि ले लेना चाहिए। मिठाई, हलवा, गरिष्ठ पदार्थ भर पेट खा लेने से उपवास का प्रयोजन सिद्ध नहीं हो सकता। चौथा, उपवास तोड़ने के बाद हल्का शीघ्र पचने वाला आहार स्वल्प मात्रा में लेना चाहिए। उपवास समाप्त होते ही अधिक मात्रा में भोजन कर लेना हानिकारक है। पांचवा, उपवास के दिन अधिकांश समय आत्मचिंतन, स्वाध्याय या उपासना में लगाना चाहिए। उपत्यकाओं के शोधन, परिमार्जन और उपयोगीकरण के लिए उपवास किसी विज्ञ पथ प्रदर्शक की सलाह से ही करने चाहिए। पर साधारण उपवास जो कि प्रत्येक गायत्री उपासक के अनुकूल होता है रविवार के दिन होना चाहिए। उस दिन सातों ग्रहों की सम्मिलित शक्ति पृथ्वी पर आती है जो विविध प्रयोजनों के लिए उपयोगी होती है। रविवार को प्रातःकाल स्नान करके या संभव ना हो तो हाथ मुंह धोकर शुद्ध वस्त्रों में सूर्य के सम्मुख मुख करके बैठना चाहिए और एक बार खुले नेत्र बंद कर लेना चाहिए। इस सूर्य के तेज पुंज रूपी समुद्र में हम स्नान कर रहे हैं, वह हमारे चारों ओर ओतप्रोत हो रहा है। ऐसा ध्यान करने से सविता की ब्रह्म रश्मियाँ अपने भीतर भर जाती है। बाहर से तेज और चेहरे पर धूप पड़ना और भीतर से ध्यानाकर्षण द्वारा उसकी सूक्ष्म रश्मियों को खींचना उपत्यकाओं को सुविकसित करने में बड़ा ही सहायक होता है। यह साधना 15 से 20 मिनट तक की जा सकती है। उस दिन श्वेत वर्ण की वस्तुओं का अधिक प्रयोग करना चाहिए, वस्त्र भी अधिक सफ़ेद ही हों। दोपहर के 12 बजे के बाद फलाहार करना चाहिए। जो लोग रह सकें वे निराहार रहें, जिन्हें कठिनाई हो वे फल, दूध और शाक ले सकते हैं। बालक, वृद्ध, गर्भिणी, रोगी या कमजोर व्यक्ति चावल, दलिया आदि दोपहर को, दूध रात को ले सकते हैं। नमक एवं शक्कर, इन दो स्वाद उत्पन्न करने वाली वस्तुओं को छोड़कर बिना स्वाद का भोजन ही एक प्रकार का उपवास हो जाता है। आरंभ में अस्वाद आहार के आंशिक उपवास से भी गायत्री साधक अपनी प्रवृत्ति को बढ़ा सकता है। आज का स्वाध्याय यहीं तक। आप सभी को प्रणाम, धन्यवाद।
आपको यह वीडियो कैसा लगा? अपना अनुभव कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें। धन्यवाद। नमस्कार।